की होगी, जहां पर भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश का असर दर्जनों गांव में देखा गया है। बाढ़ के चलते निचली बस्तियों में पानी भर गया है। तेज बारिश के चलते कई लोगों को बेघर होना पड़ा। पूर्व राज्य महिला आयोग अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने डुबान गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से बात की। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रभावित लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था तुरंत की जाए, साथ ही सरकार ग्रामीणों को मुआवजा दे। एक तत्कालीन जो है वो राहत पैकेज दिया जाए और साथ ही जो सर्वे है वो करवाया जाए, जिससे नुकसान का आंकलन हो सके और जो फसलें, खड़ी फसलों जो पनिया अकाल के रूप में ये आपदा देखने को मिल रही है, तो इसमें लोगों को मुआवजा दिया जाए फसल को लेकर। सूरजपुर में खाद और बीज की